बेटे यस्टरडे वी आर डूइंग एसिडिक नेचर और द क्लीवेज ऑफ आर ओ एच बॉन्ड एंड वी हैव सीन दैट अल्कोहल आर लेस बेसिक लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटे फिनॉल्स की। इसमें जैसे कि आपने अल्कोहल को रिएक्ट किया, इफ यू विल डू द प्रॉपर्टी पैरेलल जल्दी याद हो जाएगी। वी हैव टेकन फिनॉल, ये एन ए के साथ रिएक्ट करके इट विल ऑल्सो गिव यू फिनोक्साइड आयन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिनॉल भी एसिडिक है जैसे कि अल्कोहल है। फिनॉल तो अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया एग्जाम में, Why phenol is more acidic than alcohol? But now it is MCQ again, and they can ask you how many resonating structure, how you can say that it is very strong acidic and all. ठीक, क्योंकि direct अब question 2 marks का या इसमें पूछा नहीं जा सकता। Just see the structure of phenol now. अगर This is phenol. Drawing it resonating structures. ठीक है, राधिका गो गो देयर, हरी अप स्टैंड अप, गो देयर। टेंथ वाली आते नहीं जाती हमारी। आता टेंथ वाला भी नहीं है, टेंथ से ज्यादा बुरे हालात हैं इस टाइम। सी बेटे फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, आप देख रहे हो बेटे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोज इट। क्या लिख रहे हैं हम, अब ये करो जो पहले कर रहे हो अभी। यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ इवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बीच में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इफ यू सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, OH ग्रुप हैज प्लस R इफेक्ट इन दिस। ठीक है, प्लस R का मतलब है रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब दे रहा है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये फिनॉल है। जब फिनॉल एक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या अपना देगा, H पॉजिटिव। जब फिनॉल एसिड की तरह बिहेव करेगा तो फिनॉल क्या देगा बेटे, H पॉजिटिव। इससे क्या बनेगा, फिनोक्साइड। ये जो आयन बना है ये फिनोक्साइड है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, If you see the resonating structure of phenoxide, phenoxide बनने के बाद
एक बारी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, आया क्योंकि ऑक्सीजन ने जब H प्लस दे दिया, H प्लस देने का मतलब है वो उसने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए, फिनॉल से जब फिनॉक्साइड बना तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे वो ही रिवॉल्व हुए हैं रिंग के अंदर, ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब फिनॉल में जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो स्ट्रक्चर इतने स्टेबल नहीं है, ठीक है। जो फिनॉक्साइड है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर किसी में भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अब जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो वो रिएक्शन होगी। अगर फिनॉल अपना एच पॉजिटिव लूज कर दे और फिनॉक्साइड बना दे, दैट इज मींस एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही है। अब जब एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही है तो फिनॉल से फिनॉक्साइड, प्रोडक्ट क्या है, फिनॉक्साइड प्लस एच पॉजिटिव, और ये जो फिनॉक्साइड बना दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कंपेयर टू फिनॉल, मीन योर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन योर रिएक्टेंट। व्हेन द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल द रिएक्शन विल गो ऑन, ठीक है। दैट इज व्हाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, एंड अल्कोहल आर सो इवन वीकर देन वाटर, वी हैव डन यस्टरडे बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, समझ आ रही है। तो फिनॉल से क्या बनता है जब एच प्लस लूज रहता है, फिनॉक्साइड। You have done conjugate acid base pair concept in the Blonstein Lowry concept. उसमें यही आप study करते हो बेटे। जब आपका जो product बनता है वो ज्यादा stable होगा तो reaction forward की तरफ ही जाएगी, समझ आ रही है। तो phenoxide stable है, एक strong है तो एक weak है, reaction strong की तरफ जाएगी तो ये stable है, समझ आ रही है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 3.5 कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। उसके बाद बेटे अगर फिनॉल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, ठीक, अगर फिनॉल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, अब मैं लगाऊंगी बाद में, तो फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, ये जो OH है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो O किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H से, H को एज ए H पॉजिटिव जाना ही पड़ेगा बाहर, समझ आ रही है। अगर फिनॉल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो जैसे कि अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, ये मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, द फर्स्ट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सेकेंड इज मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड थर्ड वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। जब हम नाइट्रो ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, माइनस आर और माइनस आई दोनों, माइनस आर इफेक्ट कौन सा होता है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रेजोनेंस, ठीक। माइनस आई एक डिस्टेंस इफेक्ट है, वो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो सब में माइनस आई लग रहा है, मगर सबसे ज्यादा माइनस आई किस में लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो सबसे नियर है, फिर मेटा, फिर पैरा, ठीक। अब नाइट्रो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, इसको एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आना ही पड़ेगा। तो मीन्स अगर आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, मैंने आई विल टियर ऑफ बोथ रजिस्टर्स, क्लोज इट,
I said close it. ठीक है, अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे है, बहुत पास पड़ा है OH के, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींच रहा है, मेटा पोजीशन पे आया दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, पैरा पोजीशन पे और कम खींचेगा, ठीक है। तो मींस माइनस आई इफेक्ट देखें तो माइनस आई के कारण स्टेबिलिटी ऐसे होनी चाहिए, एसिडिक करेक्टर ऐसे होना चाहिए। अब आ जाओ माइनस आर, कभी भी मेटा पोजीशन पे आर नहीं लगता, बारी बारी में आपको ये बोलती हूँ, मेटा पोजीशन पे जो लगा है ना वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो जो ये पोजीशन है नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन माइनस आर के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, अगर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो ऑर्थो और पैरा के कारण ही, और माइनस आर चाहे वो ऑर्थो पोजीशन है चाहे वो पैरा पोजीशन है वो इक्वली होता है। अब अगर आर इफेक्ट देखा जाए तो खींचने वाला कहाँ लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पे, मेटा पे तो लग ही नहीं रहा, तो मेटा पे तो कैंसिल कर दो, इसका मतलब ये यहां चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे माइनस आई ज्यादा है, ऑर्थो पे, पैरा पे माइनस आई कम है, चाहे माइनस आर दोनों में इक्विवेलेंट है, तो ऑर्थो विल विन देन पैरा देन मेटा, ठीक है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते रहते हो बेटे, वैसे वैसे उसकी एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि रिंग से जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रिंग ऑक्सीजन से खींचेगी, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से खींचना पड़ेगा और हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकलना पड़ेगा, और जितनी जल्दी एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो। इससे उल्टा अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, नाउ कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या कहते हैं इसको, ये ऐसे ही आना है बेटे, इसका नेम लिख के आएगा आपको, एंड देन दे विल से टू अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, स्ट्रक्चर नहीं बने आते होते इनके, नेम लिख के आता है एग्जाम में, दिस इज क्रिसोल, no one will going to write the structure for you, this is ortho crisol, this is meta crisol, this is para crisol, now CH3 group ka kya effect hai, CH3 ka plus I bhi hai plus R bhi hai dono hai, आपको पता है ऑर्गेनिक में एक ही ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, वो सी है, कार्बन खुद ही है, खुद ही कार्बन दाता है और कोई दाता नहीं है कार्बन को देने वाला प्लस आई के कारण, प्लस आई सिर्फ एक ही शो करता है कार्बन, और जितने ज्यादा कार्बन लगे होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, माइनस आई वाले बाकी सारे हैं, मगर प्लस आर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्लस आर लोन पेयर पे डिपेंड करता है, तो प्लस आर वाला OH भी आ जाता है, हैलोजन्स भी आ जाते हैं, ये सारे प्लस आर वाले होते हैं, मगर प्लस आई वाला एक ही ऑर्गेनिक में आता है कार्बन खुद, इंडक्टिव इफेक्ट जो पॉजिटिव दिखाता है वो कार्बन खुद दिखाता है, और जितने ज्यादा कार्बन लगते हैं उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक। अब इसका, अब इसके ऊपर लोन पेयर तो है नहीं, फिर ये प्लस आर कैसे दिखाएगा, एक आपने चीज सुनी होगी प्लस वन में, कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, सुनिए, सुना सुना लग रहा है वर्ड, वेरी गुड, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये प्लस आर दिखाता है,
इसके पास लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर के कारण बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं फेंक रहा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। बाकी सारे जितने भी प्लस आर वाले ग्रुप होते हैं बेटे जी, वो लोन पेयर के कारण अपरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। पर यही ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन गिरता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जिसके दोनों इफेक्ट हैं, दैट इज प्लस आर एंड प्लस आई, वो फिनॉल को वीक ही करेगा, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। अगर फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन गिरेगा कोई, तो ऑक्सीजन तो पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ऑक्सीजन क्यों हाइड्रोजन से खींचेगी? अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं खींच पाएगी, हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो जब आप फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हो, तो वो उसको वीक वीक एसिड बनाता है रादर देन स्ट्रॉन्ग एसिड। हर सिमरन वेक अप, यू हैव द फर्स्ट डे, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट sitting at the bed and listening and you're lying or going here and there and eating something, it's quite easy. Bete, agar aap electron release kar rahe ho, you are releasing in this benzene ring, ye isko oxygen ko electron mil raha hai, jab oxygen ko electron milega, kya oxygen hydrogen se kheench payegi? Maine isse kuch lena hai, magar mujhe piche se dene wala koi baitha hai, तो मैं उतनी अब नहीं खींचूंगी इससे, क्योंकि मुझे मिल रहे हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पीछे से। जब कोई पीछे से ही दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचूंगी? वो इतनी में टेंडेंसी रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पीछे से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हम खींचेंगे नहीं, तो हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की फॉर्म में क्यों निकलेगी? एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? किसी ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, यही मतलब है। किसने लिए? ऑक्सीजन ही तो लेता है, तभी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तभी तो आपके फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। अब देखो, इस ग्रुप का दोनों इफेक्ट होते हैं बेटे, प्लस आई प्लस आर। आई इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट है, डिस्टेंस बढ़ने से ये इफेक्ट कम होता है। कितनी बारी मैंने ये रिपीट कर दी चीज, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ड्यू टू प्लस आई रखेगा, वो ऑर्थो पोजीशन पे रखेगा, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, ऐसा ही होगा, सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पैरा हो जाना चाहिए, अगर हम अकेला प्लस आई देखें तो, क्योंकि देने से ये वीक बन रहे हैं। जो सबसे कम दे रहा है वो पैरा दे रहा है, वो दूर चला गया, सबसे ज्यादा ऑर्थो दे रहा है। अब आ जाओ आर इफेक्ट, मेटा पे तो आर लगते ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मेटा को छोड़ दो, बाकी ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो पैरा पे आर इफेक्ट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। मेटा पे आर नहीं लगा, मेटा को आर के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा इन तीनों में से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो दे रहा है वो उसको वीक बना रहा है। अब मेटा तो आर के कारण दे ही नहीं रहा, तो मेटा फर्स्ट पोजीशन पे इन तीनों में से देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा। अब आई और ऑर्थो और पैरा देखो, पैरा और ऑर्थो दोनों आर हैं, पर आर इसका ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कम दे रहा है, तो सेकेंड पोजिशन इसकी आ जाएगी और ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ही ये दे रहा है, आर के कारण भी आई के कारण भी यही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पैरा आई के कारण कम दे रहा है ऑर्थो से, आर के कारण इक्विवेलेंट दे रहा है, और मेटा आर के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, सिर्फ आई के कारण ही दे रहा है, समझ आई? मगर क्रिसोल्स आर वीक एसिड देन फिनॉल्स, क्योंकि फिनॉल में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है ना। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में यहाँ पे मैं फिनॉल लिख दूं, तो फिनॉल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिनॉल खुद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी,
क्योंकि फिनॉल को भी दे ही नहीं रहा, तो फिनॉल क्या करेगी? फिनॉल खुद इस ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकती है आराम से, क्योंकि पीछे से देने वाला कोई भी नहीं है। तो फिनॉल इन सारे क्रिसोल से ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल के बाद कौन सा क्रिसोल एसिडिक है? मेटा। मेटा के बाद कौन सा एसिडिक है? पैरा। पैरा के बाद कौन सा एसिडिक है? ऑर्थो। ये आ चुका है बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एनी ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एनी ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड आपको जब तक आई और आर इफेक्ट्स नहीं पता चलेंगे, तब तक आप एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई आई टोल्ड यू इन क्लास 11th ऑल्सो, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तब नहीं समझे थे, शायद अब आपको ये बात समझ आनी शुरू होगी होगी। स्ट्रक्चर के नेम ही नहीं आने, कन्वर्जन्स कहां से कर लोगे? टिपिकली आप इतनी ज्यादा नेमिंग आपने टाइम वेस्ट करते हो ना, लॉन्ग चेन, ये चेन, वो, कोई नहीं पूछता प्लस टू में। सिंपल कॉमन नेम्स और सिंपल स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, तब जैसे हम आपको गाइड करते हैं, आप वो चीजें नहीं सुनते हो। आप ये चीजें सुनते हो कि हमने वहां ऐसा किया है तो ये चीज यहाँ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दे हैव टू गेट 50,000 फ्रॉम यू, दे वॉन्ट 20-30,000 फ्रॉम यू। वो एक्स्ट्रा आपको देंगे, हमें पता है हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमने आपको पहले सीबीएसई में तो लेके जाए। ठीक है, अब एसिडिक नेचर आपको समझ आई? एसिडिक नेचर में, या जब हम कहते हैं आर ओ से एच अलग होना, मींस एसिडिक है। एल्कोहल फिनॉल दोनों एसिडिक हैं, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एल्कोहल से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एल्कोहल से। एल्कोहल आर इवन वीक एसिड देन, एल्कोहल आर इवन वीक एसिड देन वॉटर। समझ आ रही है? इवन वॉटर। ठीक, नाउ कम टू एस्टेरिफिकेशन। लिखो अपने आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यू हैव डन इन क्लास 10th। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? टू फॉर्म एस्टर्स। एस्टर्स कैसे बनते हैं? अच्छा, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या रिएक्ट करते हैं बेटे? एसिड और एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल, जब आप किसी भी एल्कोहल को किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हो, गिविंग द एसिडिक मीडियम, यू विल गेट एस्टर्स। एंड इन दिस एच प्लस यहां से आता है एल्कोहल से, नहीं, एल्कोहल से OH नेगेटिव, एच प्लस एल्कोहल से आता है एसिड से, नहीं, OH जो है वो एसिड से आता है। तो एच प्लस OH कंबाइन टू फॉर्म वाटर। यहां से OH गया, यहां से एच गया, तो ये क्या बन गया? वाटर। और ये बाकी क्या बचा? आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक, नाउ आई एम टेकिंग एनी एल्कोहल,
See, I have taken this ethanol and I am reacting with ethanoic acid. So particularly this ester I will obtain. What is the name of this ester? It's methanoid. Give a try again. How many carbon? Ethyl ethanoid or ethyl acetate. क्योंकि कन्वर्जन्स में ये इथेनोइड कम यूज करते हैं, ये एसीटेट ज्यादा यूज करते हैं. क्योंकि ये जो ग्रुप है एसिडिक ग्रुप, किससे आया? एसिडिक एसिड से. CH3CO क्या है? एसिडिक एसिड. ठीक है, जो पोर्शन एल्कोहल से आता है उसे बोलते हो इथाइल, और जो पोर्शन आपका एसिड से आता है उसे बोलते हैं हम इथेनोएट या एसिटेट. एट पीछे लगता है या ओएट पीछे लगता है. समझ आ गई? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. अगर इस रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है तो यू हैव टू रिमूव द वाटर विच इज बाय प्रोडक्ट. अगर यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो आपने एक एक टाइप का वाटर रिमूव किया है, आपने एनहाइड्राइड किया, उसको वाटर रिमूव किया ना इसमें से. एल्कोहल और एसिड कंबाइन करके क्या बन रहा है? वाटर. अगर वाटर को प्रोडक्ट से बाहर निकाल दोगे, वेपोरेट करवा दोगे आप, क्या रिएक्शन रिवर्सिबल होगी? नो. तो आपका एंड प्रोडक्ट आपका एस्टर आ जाएगा. अगर आप ये चाहते हो कि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए तो आपको इस रिएक्शन मिक्सचर में से वाटर अलग करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन क्या चली जाएगी? पीछे की तरफ. ओके, इसी रिएक्शन को हम फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन कहते हैं. जब आप इसमें कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज करके ड्राई HCl यूज करते हैं, इसी रिएक्शन को बेटे फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन कहा जाता है. Fischer Spire. When the catalyst is dry HCl, अगर आप यहाँ पे एरो के ऊपर dry HCl लिख दोगे तो इसी को बोलेंगे हम Fischer Spire esterification. ये नेमिंग रिएक्शन हो जाती है. अगर आपको पेपर में कोई नेमिंग रिएक्शन पूछता है उसके बाद इसका कैटलिस्ट पूछता है तो आप ड्राई HCl लिखोगे. समझ आ गई? अब ऐसे ही अल्कोहल को जरा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो. चलो करो. आपको पता है एसिड के कितने डेरिवेटिव होते हैं? कितने होते बेटे? मैंने प्लस वन में भी ये चीज करवाई थी. 4. कौन कौन से बेटे? एक तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ एस्टर, और कौन से डेरिवेटिव है? एसिड के 4 डेरिवेटिव के नेम बताओ. एक तो बोर्ड पे ही है. जब आपको डेरिवेटिव्स के नेम नहीं पता बेटे, वो प्रिपेयर कैसे करोगे? ये उनको रिएक्शंस में कैसे यूज करोगे आप? एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है. ये चारों के चारों एसिड से आते हैं. तो टिपिकली वही रिएक्शन शो, जैसे हमने एस्टर बनाए ना, वैसे आप एसिड क्लोराइड से भी एस्टर बना सकते हो, एनहाइड्राइड से भी एस्टर बना सकते हो. आई विल मेक, इतने स्लो मैं कभी नहीं गई. फॉर यू एसिड. अब एसिड आपने अभी एस्टरिफिकेशन करी, उसमें क्या किया? अल्कोहल से रिएक्ट किया. किया फॉर एग्जाम्पल आपने एसिड ये वाला ले लिया,
और इसमें से मैंने क्या रिमूव किया, वॉटर, तो मुझे क्या मिला, दिस डेरिवेटिव इज नोन एज एस्टर. ठीक है, अब अगर इसी एसिड को, डेरिवेटिव है ना, मान लो इसी एसिड को मैं HCl के साथ रिएक्ट कर दूं, फिर से मैंने वाटर रिमूव करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड. इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड. कैसे बना, यहां से क्या गया H, यहां से क्या गया Cl, सॉरी यहां से गया OH, यहां से गया H, तो Cl यहां पे लग गया, Cl यहां पे, दैट इज एसिड क्लोराइड. नेक्स्ट मेरे पास अमोनिया है, अगेन मैंने वाटर रिमूव किया, तो ये क्या बना, अमाइड. ये क्या बना, अमाइड. ये भी एस्टर का डेरिवेटिव है. अगर दो एसिड्स को मैं कंबाइन कर दूं, इफ आई विल कंबाइन टू एसिड्स एंड देन रिमूव वाटर, तो एसिड की क्या हो जाएगी, ये एनहाइड्राइड. तो एसिड के फोर डेरिवेटिव होते हैं. वन इज एनहाइड्राइड, जो दो एसिड को कंबाइन करके उसमें से वाटर निकलता है, एक एसिड क्लोराइड, एक अमाइड और एक एस्टर. समझ आ गई, चार डेरिवेटिव. ठीक है, एस्टर सारे डेरिवेटिव एसिड से आ रहे हैं, एक डेरिवेटिव एल्कोहल. हर बारी आपने वाटर रिमूव किया, देखो हर बारी आपने वाटर रिमूव किया ये डेरिवेटिव बनाने के लिए. जैसे आप वाटर रिमूव करते गए, आपको वो डेरिवेटिव मिलता गया. ठीक है, अब जब हमने अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट किया तब भी एस्टर मिला. इसी अल्कोहल को इसके ये वाले डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करोगे तब भी एस्टर मिलेगा. इसी अल्कोहल को जब इसके ये वाले डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करोगे तब भी आपको एस्टर ही मिलेगा. अगर मैं ये अल्कोहल लूं बेटे और एसिड का डेरिवेटिव लूं मैं एसिड क्लोराइड, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, दिस इज एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड. एसिड का मैंने OH रिप्लेस कर दिया Cl से, यही किया है, एसिड का OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, इजंट इट. अगर यहां पे मैं OH लगा दूं तो एसिड नहीं है ये, इधर मैं OH लगा दूं तो ये एसिड नहीं है. चलो लेट मी टेक CH3. अब मैं यहां पे OH लगा दूं, ये एसिड है, तो ये एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड. ठीक, अगर यहां से मैं Cl रिमूव कर दूं और H रिमूव कर दूं, जैसे पहले क्या रिमूव कर रहे थे, OH और H. एस्टरिफिकेशन में क्या किया था आपने, OH और H, अब हमने क्या रिमूव करना है, H और Cl, तब भी क्या बनेगा, एस्टर. मगर इसमें जो सॉल्वेंट है पिरिडीन लोगे, क्योंकि आपने HCl को न्यूट्रलाइज करना है.